कि चौथा का ताजिया, ये दिल्ली का ताजिया, ये यूपी का ताजिया, ये एमपी का ताजिया। अरे इतना ताजिया दिखाया कि सारी बनी उमैया की औलादों का निकाह टूट गया। फतवा दिया, कभी अलम पे फतवा दिया, कभी जुलूसों पे फतवा दिया, कभी आजादारी पे फतवा दिया, कभी काले लिबास पे फतवा दिया। अच्छा अभी कुछ रोज पहले कबला मैं गुजरात में था, जन्माष्टमी का जमाना था, कृष्ण जी की मूर्ति निकली थी। जब गणपति जी का जमाना आता है तो मुंबई और अतराफ में गणपति जी की मूर्ति निकलती है। हमारे बंगाल में जब दुर्गा और काली जी का जमाना आता है तो हमारे बंगाल में दुर्गा और काली जी की मूर्ति निकलती है। मौलाना मैं बचपन से जवान हो गया, चेहरे पर आपने मेरे दाढ़ी आते देखा है, आपके गोद में बैठा हुआ हूं मैं। क़िबला आप गवाही दीजिए, बचपन से जवान हो गया, मैंने होश संभाल लिया, मगर मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी किसी मुफ्ती ने फतवा दिया हो कि कृष्ण की मूर्ति देखना हराम, गणपति की मूर्ति देखना हराम, दुर्गा और काली की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाता है। मगर जैसे ही मुहर्रम आता है यही मुफ्ती फतवा देता है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। मैंने कहा सोशल मीडिया वालों, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने आज सोशल मीडिया पे हर जगह का ताजिया दिखा दिया। ये अजमेर का ताजिया, ये कलियर का ताजिया, ये खिजौटा का ताजिया, ये दिल्ली का ताजिया, ये यूपी का ताजिया, ये एमपी का ताजिया। अरे इतना ताजिया दिखाया कि सारी बनी उमैया की औलादों का निकाह टूट गया। माशाल्लाह जिंदाबाद बेटा, कहा नहीं ताजिया मत उठाइए। क्यों क्यों नहीं उठाए मेरी जान? का बिदात है। क्या है बिदात? का जो नबी के दौर में नहीं था वो बिदात, वो हराम। तारीख पढ़िए फतवों की। जब हवाई जहाज इजाद हुआ, एरोप्लेन इजाद हुआ, इसी मुफ्ती ने फतवा दिया एरोप्लेन पे सवारी करना हराम। क्यों? का इसलिए कि नबी ऊंट पे सवारी करते थे। मोटर कार इजाद हुआ, का मोटर कार पे बैठना हराम। क्यों? का नबी घोड़े पर बैठते थे। घड़ी इजाद हुई, का ये घड़ी देखना हराम। क्यों? का नबी के जमाने में सूरज की किरणों से वक्त देखा जाता था। तवज्जो। तो जो नबी के दौर में नहीं था हराम। हवाई जहाज नबी के दौर में नहीं था, घड़ी नबी के दौर में नहीं था, ताजिया नबी के दौर में नहीं था, सबीन नबी के दौर में नहीं था, तबरुक नबी के दौर में नहीं था। मैंने कहा तू भी तो नबी के दौर में नहीं था। माशाल्लाह सब मिलकर तू भी तो नबी के दौर में नहीं था, तेरा बाप भी तो नबी के दौर में नहीं था, तो तू कैसे हलाल हो गया? कहा नहीं आप ही बताइए ताजिया हलाल है या हराम। मैंने कहा दोनों है, तवज्जो कीजिएगा। अब आप भी सोचते होंगे अब तक तो ठीक पढ़ रहे थे, अचानक बहक कैसे गए? कहा नहीं आप बताइए ताजिया हलाल है या हराम। मैंने कहा दोनों है, हलाल भी है हराम भी है। कहा दोनों कैसे हो सकता है? मैंने कहा सुन, हलाल जादों के लिए हलाल है,